हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में हम लोग आपके फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम चल रहे थे उसकी कुछ वीडियोस कवर कर रहे थे। सो अपकमिंग एग्ज़ाम जो है हमारा वो एमपीए 16 का है, तो एमपीए 16 के कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एमपीए 16 का डिस्कस करेंगे वो है रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज। मैंने जो पहले तीन जो वीडियो कवर की हैं आप लोगों के साथ, और एक जो MPS 3 के सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों के साथ फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी, वो क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब वी कैन से कि 95% जो है वो क्वेश्चन रिपीटेडली ऑलमोस्ट हर ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में रिपीटेडली उन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें तो हमने ऑलमोस्ट 60 to 80, मतलब प्रॉपर ऑन एन एवरेज देखें तो चलो 60 ही मान लेते हैं, हम 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर अप कर चुके हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर जाए तो चांसेस होते हैं कि वो सेम क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाए अपने पेपर में। तो कोशिश करेंगे, अभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियो कम हो रही थी, डिले हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जितना मैंने सोचा था उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी, वीडियो नहीं इतनी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व होकर आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही थी। बट कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा वीडियो का जो हम लोग जो टेंडेंसी है जो आपका वीडियो डालने का, मेरा मतलब पर्टिकुलरली डेली का वीडियो है, वो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। और बाकी क्योंकि जस्ट आफ्टर एमपीए 16 आप लोगों के MSOE के रिमेनिंग एग्जाम भी हैं, तो उनके रिगार्डिंग, उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो हैं वो इन बिटवीन द टाइम ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज। तो रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज की बात की जाए तो लोकल बॉडीज हमें पता है क्या होती है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से बात करेंगे, देखो वो रिसोर्स क्या क्या यूज़ करती है, बेसिकली मेजर बात की जाए ना तो फंडिंग की बात होती है। लोकल बॉडीज कुछ पैसे यूज करती है अपनी फंक्शनिंग के लिए। मैंने यहाँ पे मेन बात लिखी है, आप लोग उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि लोकल गवर्नमेंट नीड सम रिसोर्सेज टू फंक्शन, आप इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करो। लोकल गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये जो फंड होता है मेजरली अगर हम बात करें, देखो खुद कुछ अपने रिसोर्सेज से लेते हैं, प्लस स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे स्टेट, क्योंकि सेंटर की आपकी फाइनेंस कमीशन है, स्टेट की स्टेट फाइनेंस कमीशन है, बट लोकल बॉडीज की अलग से कोई फाइनेंस कमीशन नहीं है, स्टेट फाइनेंस कमीशन ही इनकी फंडिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो सारी देख के चलता है। तो हम थोड़ा सा स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी बता सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडिंग हियर ना, तो टच करो उस वर्ड को, उस टॉपिक को, एंड अंडरलाइन करो और थोड़ा सा रिलेवेंस उसका बता दो, ठीक है। तबीयत अभी भी बहुत प्रॉपरली ठीक नहीं है फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके तबीयत के बारे में पूछा है, सो लेट मी टेल यू अभी उतना प्रॉपरली ठीक नहीं है। आई डोंट नो व्हाट काइंड, मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन और समथिंग, खांसी नहीं ठीक हो रही है, दवाई ट्राई कर ली है, प्रॉपर दवाई ले ली है, नेचुरल मतलब जो भी आपकी होममेड चीज़ें होती हैं दैट ऑल्सो आई एम ट्राइंग, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है। सो थोड़ा सा बोलना मना है, बट क्या करें, बिना बोले काम ही बोलने का है, तो कितना टाइम बिना बोले रुक सकते हैं। ओके तो देखते हैं चीज़ें अब आगे। रेवेन्यू रिसोर्सेज की बात करें, पैसा आता कहाँ से है, सो देयर आर टू रिसोर्सेज, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब खुद के अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, मतलब खुद जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास खुद कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से उसके पास पैसा आता है। लाइक वो टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे कि लैंड पे टैक्स ले रही है प्रॉपर। अगर आपने ये पूरा एक तरीके से मैं फ्लो चार्ट बोलूँ ये याद कर लिया और ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर दिया ना, तो मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए, एग्जामिनर को क्लियर कट पता चल जाएगा कि पूरी फंक्शनिंग और पूरी जो पिक्चर है ना स्टूडेंट को क्लियर है, क्योंकि आपने प्रॉपर बाइफर्गेट करके बहुत अच्छे से चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। तो टैक्स की फॉर्म में इन्हें पैसा मिलता है। प्लस नॉन टैक्स की बात करें तो कुछ रेंट और यूजर फी वगैरह भी ये लोग लेते हैं, तो वो भी इनके लिए अर्निंग का काम करती है। और ये पैसा जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास जाता है, ये लोग उस पैसे का क्या करते हैं, दे विल यूज दिस फॉर द वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द पीपल। लोकल गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम के लिए काम किया जाता है। अब देखो बजट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम होता है अमंग द वेरियस गवर्नमेंट, तो कहा जाता है ना कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम की बात होती है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कम करते हैं अमीरों से टैक्स लेके, मतलब दोज हु कैन पे। आई नॉट यूज अ वर्ड अमीर हमेशा, ठीक है, नॉर्मल इंसान भी, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग भी क्या कर रहे हैं, टैक्स तो सब पे कर रहे हैं जो भी उस स्लॉट में आते हैं, तो जो भी प्रॉपर टैक्स स्लैब में आते हैं वो लोग टैक्स पे करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं उनसे टैक्स लेके दोज हु कैन नॉट अर्न वेरी मच, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट ट्राई करती है
कि उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं। तो ये तो इंटरनल सोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के खुद के डायरेक्ट सोर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, प्लस कुछ बाहर की कुछ बॉडीज या कुछ चीज़ें भी हैं जहाँ से एक्सटर्नल सोर्स जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ से लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। जैसे कि कुछ रेवेन्यू तो इनको असाइन होता है भाई, मिलेगा टोल का पैसा आपको मिलेगा, टैक्सेस का मिलेगा, कुछ ड्यूटी फीस मिलेंगी जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट की है ऑन बिहाफ ऑफ योर, मतलब लोकल बॉडीज के बिहाफ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने आपके एरिया से कोई रोड जाती थी जहाँ पे टोल टैक्स वगैरह लगना है, तो ये सब पैसा आपको दिया जाएगा, ये सब पैसा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपको देंगी। तो एक तो ये असाइंड रेवेन्यू होता है, इसके अलावा कुछ ग्रांट्स मिलते हैं। ग्रांट्स मतलब कि भाई ग्रांट के बदले आपको रीपे नहीं करने होते हैं, ग्रांट ग्रांट आपको मैंने दे दिया अब आप इसे यूज़ करो, और लोन मतलब हमने लिया है तो हम रीपे करेंगे, तो समटाइम लोन भी लेती हैं लोकल बॉडीज एंड ग्रांट की फॉर्म में भी पैसा मिलता है। तो ग्रांट और लोन कहाँ कहाँ से, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हो, मार्केट से उठा सकते हो, कुछ लोकल इंस्टीट्यूशन हैं इस तरीके के वहाँ से आप ये काम कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आपकी लोकल बॉडीज के पास में पैसा आ सकता है, सारे तरीके को हमने जो भी डिफरेंट वेज हैं हमने एक जगह पर सम अप कर लिया, क्योंकि रिसोर्स की बात है क्वेश्चन में तो हमें सारे रिसोर्स बताने हैं। अब कुछ प्रिंसिपल टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल फॉलो करती हैं लोकल गवर्नमेंट, वो क्या प्रिंसिपल है? देखो बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं, अगर आप सुन लोगे समझ लोगे तो आप ये खुद भी लिख लोगे इजीली बना के। पहली बात तो जिनसे आप टैक्सेस ले रहे हो ना वो आपके एरिया के रेजिडेंट होने चाहिए। अब मैं ले रही हूँ टैक्स और आप वो पर्सन रह कहीं और रहे, बेनिफिट कहीं और ले रहे हैं चीज़ों का, और ऐसा तो नहीं है ना वो दो दो जगह टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे जो भी आप टैक्स लेते हो वो जो पर्सन होता है वो आपके यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, किसी और ज्यूरिसडिक्शन किसी और एरिया का वो रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, प्लस वो कुछ गलत काम ना करे, कुछ एक तरीके से हम बोलते हैं ना इनएफिशिएंट वेज ना यूज करे, ठीक है, ताकि टैक्स का क्या हो सके, टैक्स आपका बच सके, ये चीज होती है। प्लस टैक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल नहीं चार्ज करना, जो एक बेसिक लिमिट है उतना ही टैक्स चार्ज करो, टैक्स की फॉर्म में बहुत ज्यादा आप हाई जो कॉस्ट है वो मत क्रिएट करवाओ उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर पे। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, जो टैक्सेस होते हैं लोकल टैक्स शुड बी बर्डन ऑन लोकल रेजिडेंट्स पे ही होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी एक्सपोर्टेबल टू द रेजिडेंट ऑफ अदर ज्यूरिसडिक्शन, आप उनको उन लोगों पे मत दो, उन लोगों पे मत डालो, रेजिडेंट पे मत डालो जो किसी और ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हैं। प्लस इट शुड नॉट कॉज लोकल बिजनेस टू अडॉप्ट इनएफिशिएंट मींस, लोकल बिजनेस कुछ भी गलत काम ना करे भाई बचने के लिए। जैसे देखो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जब ये लैंड का सिस्टम चल रहा था, लैंड के रिफॉर्म आ रहे थे अलग अलग, तब एक लैंड सीलिंग एक्ट आया था। लैंड सीलिंग एक्ट ने क्या बोला था कि भाई जितनी लैंड एक लिमिट की लैंड आप लोगों के तक रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी इतनी लैंड आप लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मतलब सर्वाइवल के लिए भी भटकते हैं, तो हम लैंड सीलिंग लगाएंगे, हम लैंड को सील कर देंगे कि इतनी ही लैंड एक पर्सन के पास मैक्सिमम होनी चाहिए, बाकी लैंड आपसे ले लेंगे। तो इस पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों ने ना जमीन अपने सर्वेंट्स के नाम पे ट्रांसफर करने स्टार्ट कर दी। लोगों ने क्या करा, ऑन पेपर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और उनके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते थे, वो जमीन ट्रांसफर कर देते थे, जबकि डिवोर्स जैसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप डिवोर्स कर सकते हो तो वो अलग अलग पर्सन हो गए ना वहाँ पे, तो ये सब चीजें होने लगी, अनफेयर प्रैक्टिसेस एक तरीके से बोले ना, इनको बेनामी ट्रांसफर बोला जाता था। तो ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे बताई गई, ये तो मैंने एग्जांपल अलग केस में जाके दिया है, यहाँ टैक्स की बात की जा रही है बस, ठीक है। प्लस आपको टैक्स बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ना कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा ना दे किसी चीज की। तो ये टैक्स को लेके कुछ प्रिंसिपल लोकल बॉडीज लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करके चलने चाहिए, मतलब वाइल इम्पोजिंग द टैक्स, जब आप टैक्स लगा रहे हो तो दीज आर द थिंग दैट यू शुड कैप इन योर माइंड, ये सब बातें आपको अपने दिमाग में रखनी जरूरी हो जाती हैं। इसी में अगर हम लोग आगे देखें तो देयर आर सम मॉडल्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन के क्या क्या मॉडल्स हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल्स की हम बात करें तो सबसे पहला है पब्लिक चॉइस मॉडल, पब्लिक चॉइस मॉडल, मैरिट गुड्स मॉडल एंड एजेंसी मॉडल। अब ये तीन अलग अलग मॉडल क्या कहते हैं। पब्लिक चॉइस मॉडल कहता है कि भाई आप ना सिटीजन की मतलब जो भी ऐसा हम पैसा जो भी रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू मतलब इनकम पैसा जो भी आ रहा है, हम लोगों की सिटीजन की प्रेफरेंस पूरी करने में लगाएंगे, जो भी यहाँ के सिटीजन जो भी सिटीजन है जो भी रेजिडेंट है हम उनके लिए इनको यूज़ करेंगे। मैरिट गुड्स मॉडल कहता है कि हम लोगों का हम ये पैसा ऐसी जगह खर्च करेंगे ताकि लोगों का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है बेसिक नीड हो गई, प्लस रहने का एक घर हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है ना जिंदगी जीने का, एटलीस्ट हम लोगों को वो प्रोवाइड करा पाएं, तो ये मैरिट गुड मॉडल कहता है। वहीं आता है एजेंसी मॉडल, एजेंसी मॉडल कहता है कि भाई सर्विसेज देनी है, यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो हायर अथॉरिटी, हायर जो गवर्नमेंट है वो आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात करती है।
फिर ये जो फिस्कल ट्रांसफर होता है, ये जो पैसा, फिस्कल वर्ड आ गया ना तो मोनेटरी वर्ड हो जाता है. फिस्कल इज रिलेटेड टू मोनेटरी टर्म्स, मतलब काइंड ऑफ मनी की बात होती है. तो ये जो मनी ट्रांसफर हो रहा है, समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है लोकल बॉडीज को, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव का नाम लिखा है. आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का नाम लिख के उसको पूरा पूरा मतलब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जाम में. तो पहली बात तो है टू ब्रिज फिस्कल गैप. भाई जो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना, इनके पास इतनी अर्निंग नहीं है और ये बहुत बड़ा हमें गैप देखने को मिलता है, वो गैप खत्म करने के लिए इन तक पैसा पहुँचाया जाता है. प्लस जो फिस्कल इनइक्वालिटीज़ है, कहीं कुछ एरियाज़ में अगर बहुत पैसा चला जाए, स्टेट के पास पैसा है, सेंटर के पास पैसा है, आपकी लोकल गवर्नमेंट लोकल एरिया डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो आपको विलेज को डेवलप करके चलना, ये सारी चीज़ें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप योर नेशन. तो ये इनइक्वालिटी कम रहे बेसिकली, सो दैट क्योंकि वो पैसा आप डेवलपमेंट के लिए लगाओगे ना वहाँ पे. टू कंपनसेट फॉर बेनिफिट स्पिल ओवर, अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट चला गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट चला गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसको मतलब कुछ स्टेट और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट चला गया है तो हम उसको कंपनसेट कर देंगे यहाँ पे. प्लस अगर हम देखें तो हमारे नेशन के जो प्लान हम लोग करते हैं, जब प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी 1951 में, नाउ इट इज़ नीति आयोग, तो उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इक्विटी रहनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके पास चीज़ें इक्वली पहुंचनी चाहिए. इसी के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, वेलफेयर मेजर बनाती भी रहती है. तो अगर ये सब इक्वली पहुंचेगा तो ही इक्विटी ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा. देन मैक्रो लेवल पे, मैक्रो मतलब होता है एज अ होल, पूरी कंट्री लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो हमें मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी लानी है ऐसे रीजन पे जो कि डिप्रेस्ड है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं. डिप्रेस मतलब क्या, जो थोड़ा परेशान, डिप्रेस मतलब क्या होता है, इंसान परेशान है, तो यहाँ पे डिप्रेस रीजन बोला गया है, डिप्रेस एरिया. डिप्रेस एरिया मतलब जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, कुछ कमी है भाई, एजुकेशन की होगी, इंफ्रा की होगी, पानी की होगी, बिजली, कुछ भी कमी होगी, तो हम वहाँ पे एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके. तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के. तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की रिसोर्सेज फॉर लोकल गवर्नमेंट. ये लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर समथिंग डिफरेंट हो जाता है, उसमें मैं आपसे ग्राम पंचायत वगैरह मतलब कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो सब बात करूंगी. तो आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो विद यू. यहाँ पे हम लोगों ने बात की इनके पास पैसा, फंडिंग. तो अगर क्वेश्चन में रिसोर्सेज पूछे, फंड पूछे, फिस्कल से रिलेटेड पूछे लोकल गवर्नमेंट का, तो आपको ये आंसर लिखना है. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी. स्टिल यू हैव एनी डाउट इन सम अदर टॉपिक, कोई भी और टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. अल्ट्राई मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो प्रोवाइड करूँ, अब कोशिश करनी पड़ेगी. बहुत दिन हो गए, डिले हो गया है, चीज ठीक नहीं हो पा रहा है, रिकवर नहीं हो पा रही है चीज़ें, बट ठीक है, एग्जाम आता जा रहा है तो टेंशन तो अब आई नो आप लोगों के माइंड में भी बहुत टेंशन होगी, बिकॉज एग्जाम की डेट बहुत नियर आ गई है. तो लेट्स ट्राई, मिलके कोशिश करते हैं, थोड़ा आप लोग कॉपरेट कीजिए, मैं भी ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से मैक्सिमम चीज़ें करवाने की आप लोगों को, और टेंशन को दूर भगा के पेपर अच्छा करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग.